भारी मात्रा में नकदी के साथ तीन कांग्रेसी विधायकों की हावड़ा से गिरफ्तारी के बाद धनबाद में कांग्रेसियों का गुस्सा केंद्र सरकार के प्रति देखने को मिला। कांग्रेसी कार्यकर्ता ने धनबाद जिला मुख्यालय की रणधीर वर्मा चौक पे केंद्र सरकार का पुतला दहन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मीडिया से बात करते हुए जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह और कार्यकारी जिलाध्यक्ष रविन्द्र वर्मा ने कहा कि चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करके एन प्रकरण सत्ता पे काबिज होने के लिए भाजपा के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। जब से केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से एक एक करके चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ करने का प्रयास करना, विधायकों को खरीद फरोख्त करके और गैर भाजपा राज्यों को गिराने का काम करना, यही एकमात्र काम बच गया है। आप अभी ताज़ा उदाहरण है कि महाराष्ट्र में आज शिवसेना के नेता, उनके यहाँ भी ईडी का छापा पड़ रहा है। और जो भी विपक्ष के लोग अगर बोलते हैं केंद्र सरकार के खिलाफ में या भाजपा के खिलाफ में, उनके पीछे या तो सीबीआई या ईडी लगा दिया जाता है। आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने त्वरित कार्रवाई किया है, हमारे पार्टी के तीन विधायक को खरीद फरोख्त करने का प्रयास किया गया। किंग्स ऑर्गेनिक टोमेटो केचप, धनबाद के किसानों द्वारा जैविक विधि से उत्पादित टमाटर का बिल्कुल शुद्ध उत्पाद है। टमाटर की खेती भी कृषि विशेषज्ञों की देखरेख में बिना किसी हानिकारक कीटनाशक के प्रयोग से की जाती है। कोपल किसानों की समृद्धि के साथ रखती है लोगों की सेहत का भी ख्याल। तभी तो कोपल कहता है, आप रखें किसानों का ख्याल और वो रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। किंग्स ऑर्गेनिक केचप, शुद्ध खाओ, स्वस्थ रहो।